और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई और जीरा राइस बनाने वाले हैं। दाल फ्राई भी हम जैन बनाने वाले हैं। आप इजीली घर पे बना सकते हैं, रेस्टोरेंट जैसा ही स्वाद आएगा उसमें। जीरा राइस के लिए हम चावल को भिगो देंगे। मैंने ये 250 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। अच्छे से धो लेंगे। चावल को अच्छे से धो के मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब आधे घंटे के लिए हम इसे भिगोने के लिए रख देंगे। जीरा राइस के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लिया है। जीरा राइस घी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, घी से ही बनाइएगा। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देना है। अब इसमें हम 2 लौंग डालेंगे। गरम मसाले का लाइट फ्लेवर, थोड़ा हल्का सा फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 इलायची, जरा सा मिक्स कर लेंगे घी में। अब गैस की आंच को थोड़ा सा तेज करके मैं 1.5 टेबल स्पून जीरा डालूंगी। हमें जीरे को अच्छे से लाल होने देना है। गैस की आंच को थोड़ा तेज रखिए। अभी थोड़ा सा लालसर होने देंगे, खास ध्यान रखिए जल ना जाए, इसलिए चलाते रहिए। आप गैस को स्लो करेंगे, जीरा अच्छे से लाल हो गया है। अब हम जो भिगोया चावल था वो डाल देंगे। चावल को हमें 1 से 2 मिनट के लिए घी में भूनना है। ये प्रोसेस करने से हमारा चावल का दाना एकदम गीला हुआ रेडी होता है घी में भूनने से। ये प्रोसेस को भी आप तेज आंच पे कर सकते हैं, लेकिन इसको चलाते हुए, नहीं तो चावल नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। चावल अच्छे से देख चुका है, दिख चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा गुलाबी रंग आया है चावल में। जितना हमने चावल लिया उसका डबल हम पानी डालेंगे, मतलब 1 कप चावल है तो 2 कप पानी डालेंगे। अगर आप इस नाप से बनाएंगे तो चावल एकदम अलग अलग दानेदार तैयार होगा। लेंगे स्वाद अनुसार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक उबाल आने देंगे। पानी उबलने लगा है, एक बार इसे स्टोर करके अब हम गैस की आंच को स्लो करके इसे ढक के 7 से 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे चावल को पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। राइस अच्छे से हो गई है, आप देख सकते हैं पूरे दाने दाने। मैंने बीच में सिर्फ एक बार ही उसे चलाया था। अब हम इसे गैस बंद करेंगे और ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम देंगे। हमारी जीरा राइस बन के तैयार है। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है। कुकर में सबसे पहले हम दाल डाल देंगे। 1/2 कप तुअर की दाल, 1/2 कप चने की दाल, 1/2 कप पीली मूंग की दाल, 2 टेबलस्पून लाल मसूर की दाल और 2 टेबलस्पून उड़द की दाल। अब हम सारी दालों को अच्छे से धो के 2 बार 2 ग्लास पानी डाल के हम इसे कुकर में 2 सीटी करवा लेंगे। हमें इसका दाना ज्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा दाना रहना चाहिए, इसके लिए 2 सीटी करेंगे। कुकर की 2 सीटी होके कुकर ठंडा हो गया है। दाल भी अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं, और दानेदार हुई है। और ऐसी गाढ़ी दाल ही हमें चाहिए, इसलिए पानी का नाप संभाल के डालिएगा। अब हम तड़का कर लेंगे। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लिया है।
कि इसे दाल फ्राई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छे से गर्म हो जाए। सबसे पहले हम खड़ा मसाला डालेंगे। मैंने दो तेज पत्ते लिए हैं जिसे टुकड़ों टुकड़े कर लिए हैं, दो टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 लौंग है, काली मिर्च है 12 से 15 दाने, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। फूल वाली लाल मिर्च डालेंगे। मसालों को अब तेज आंच पर थोड़ा सा सौते करेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। हमें इसका तड़का थोड़ा कड़क सा, यानी कि थोड़ा सा जला हुआ वैसा तड़का बनाना है। खड़े मसाले सौते हो गए हैं। 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को भी हमें अच्छे से फुलाना है, थोड़ा सा डार्क रंग आए तब तक इसे हम क्रैकल होने देंगे। अच्छे से डार्क रंग आ गया है। 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और 2 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च, ये तीखी कम वाली मिर्च है। हमें इसे 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करना है। अदरक का कच्चापन निकल जाना चाहिए और थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए तो ही इसका बढ़िया फ्लेवर आएगा दाल फ्राई में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है अभी। अच्छे से भून चुके हैं, गैस को स्लो करेंगे। 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च। मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, वो डालेंगे। थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे मिक्स करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और तेल भी फूटने लगा है, आप देख सकते हैं। गैस को स्लो करेंगे और जो हमने सब दाल उबाल के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और ऐसी ही गाढ़ी दाल फ्राई हमें चाहिए। उबलने के बाद ये थोड़ी और ड्राई होगी। जीरा राइस के साथ खाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगती है। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 इंच गुड़ का टुकड़ा है जैगरी, ये ऑप्शनल है लेकिन हमारे घर पे थोड़ी सी मीठी दाल फ्राई पसंद करते हैं, उसे डाल देंगे। अब ढक्कन ढक के हम इसे स्लो आंच में 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच में 1-2 बार मिलाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। दाल अच्छे से पक गई है। अब ढककर गैस बंद कर कर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर सर्व करेंगे। दाल फ्राई और जीरा राइस मैंने सर्विंग में ले लिया है। दाल फ्राई, जीरा राइस, उसके साथ मैंने पापड़, नींबू और थोड़ा सा कैबेज का सैलेड सर्व किया है। एक मिनी मील कह सकते हैं आप इसे, जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप उसे लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिए और अपने ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कमेंट्स जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।